वो समझा दे पहले मैं नारायणपेट को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स क्यों नहीं बनाया, तुम केसीआर का चमचे बने हो, उसके बावजूद नारायणपेट जो निजाम के जमाने से म्युनिसिपैलिटी है उसको आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स नहीं बना सके। अब तीसरा कैंडिडेट है, वो पहले थे कांग्रेस में, बाद में गए वाईएसआर सीपी में, फिर आए कांग्रेस में, फिर गए टीआरएस में। टीआरएस में जब रूलिंग पार्टी बना वहां 4.5 साल आराम से थे। इलेक्शन के सामने ही कांग्रेस में आया, अब बोलता है कि मुझे अन्याय हुआ, तुम जो है सियासत को बदइंसाफ। 6 साल में 6 पार्टियां बदले हो। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, वक्त नहीं है। 4 साल के पहले जब कृष्णा कंटेस्ट कर रहे थे, वो सिंबल क्या था? कांग्रेस का सिंबल था, है नहीं? कांग्रेस सिंबल था। अब जो टीआरएस के तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं उनका सिंबल क्या था? साइकिल। मतलब है टीआरएस कैंडिडेट जब साइकिल पे कंटेस्ट किया, अब जो है ना अब कौन सा टिकट है, कौन सा पार्टी है, मुझे बोलना भी मुश्किल है, आपको समझना भी मुश्किल है। वो उसूल के बारे में बात करने का हक अखलाक ना आपको कुछ भी नहीं, न कानून है न अखलाक है। मैं बोलना चाहता हूं भाइयों, ये पीएलएफ ये पार्टी का नाम कभी सुने थे अपन? ये फ्रंट मालूम है क्या है? वो क्या है? आयवान है, इंसान है, क्या है? वो पार्टी से कंटेस्ट कर रहा है, ये भी मुमकिन है नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी का सिंबल लेके आएगा? कौन गारंटी दे सकता है? मैं ये पूछना चाहता हूं, जो 6 साल में 6 पार्टी बदल सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अरे इंडिपेंडेंट जीत के करोगे क्या? और उनका एक दोस्त राजगोपाल बोलकर है, उन्हें जो है ना फला जगह वो जीतने वाले हैं, ये जगह वो जीतने वाले हैं, तो बोगस आदमी है राजगोपाल। चारा राहुल गांधी के नेतृत्व में जो अलायंस बनने वाला है देश के लेवल पर, उसको सपोर्ट करना चाहिए, मोदी से मुक्ति पाना चाहिए, निजात पाना चाहिए। मोदी जी पहले ईन कहते पेद बदल चपेपे भारत भारत देश वेपल 80 लक्षल कोट 80 लक्षल कोट 80 లక్షల కోట్లు అన్నమాట, మనందరి లెక్కల్లో 15 లక్షలు ఇస్తాం, 15 వేల లక్షలే కాబట్టి మిత్రులారా, ఈ ఇండిపెండెంట్లకు బీజేపీలకు టీఆర్ఎస్లకు ఏద్దు, ఈ టీఆర్ఎస్కు కొత్త పాఠాన్ని ఆఖరి పాఠాన్ని నేర్పించాలా, కేసీఆర్ను ఇంటికి పంపించాలా, ఆయన ఎట్లా ఇంట్లోనే ఉంటాడు, సెక్రటరీకి రాదు, కానీ ఇంటికి పంపించాలా, ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి,
కుష్ఠగారికి మద్దతు ఇవ్వండి. ఒక దువా చీఫ్ విప్ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ చైర్మన్ జే విడాయ ప్రసాద్ హై రవీంద్ర రెడ్డి ప్రజా కుటుంబకి దోస్త్ ఆర్ సబ్ భాయియో కో బహనో కో ये चुनाव कुछ लोगों के बीच में नहीं हो रहा है.